हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग महागणपति मंदिर जो है रंजन गांव में स्थित, पुणे डिस्ट्रिक्ट से 51.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये जो आप देख रहे हैं आगे का ही ये द्वार है, और ये देखिए बड़ा सा हाथी है। दोनों द्वार के लेफ्ट और राइट साइड में रखा गया है। और इनका जो मंदिर का जो फ्रंट गेट है वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। और ये देखिए बिल्कुल हाईवे के बगल में ही ये मंदिर है। आप कभी भी बस से भी आ सकते हैं, आप आपका पर्सनल बाइक हो तो पर्सनल बाइक से भी आ सकते हैं, पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा कार पार्किंग भी है और बाइक पार्किंग भी है। ये देखिए श्री महा गणपति रंजन गांव लिखा हुआ है फ्रंट गेट पे ही, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी मंदिर की एड्रेस ढूंढने में। रंजन गांव गणपति मंदिर या रंजन गांव के महागणपति के रूप में जाना जाता है। ये पुणे से लगभग 51.5 किलोमीटर अहमदनगर राजमार्ग के माध्यम से 1 घंटा 31 मिनट में सुरूर तालुका में स्थित है। दिव्य अष्ट विनायक यात्रा दर्शन पर निकलने वाले भक्तों द्वारा दौरा किया जाने वाला यह 8वां मंदिर है। रंजन गांव की मूर्ति महागणपति की है, जो भगवान गणेश का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधित्व है। ये देखिए जितने भी श्री गणेश जी का जो अष्ट विनायक जो मंदिरें हैं वो यहाँ पर उनका नाम दर्शाया गया है दीवारों पे, जिसमें से एक अष्ट विनायक मंदिर रंजन गांव में स्थित है। देखिए जो गेट है महागणपति मंदिर का, वो लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो चार फोर जो है लेफ्ट साइड में मंदिरों का पूरा नाम उसमें दर्शाया गया है, और राइट साइड दोनों साइड में और फोर फोर दर्शाया गया है। ये देखिए मंदिर का जो अंदर में कुछ दूर आप चल के जाएंगे तो आपको अंदर में एक मंदिर का गेट मिलेगा, और एक बिल्कुल वृक्ष के नीचे ही वो मंदिर है। तो यही लिखा हुआ है श्री क्षेत्र देवस्थान दर्शन मंडप, तो यही है वो मंदिर। अब इसी गेट के द्वारा आप अंदर जाएंगे। गणेश जयंती के दिनों में खरीदारी के लिए यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें और भगवान गणेश का मीठा प्रसाद भी मिलता है। यहाँ की जो लड्डू है काफ़ी फेमस है। और ये जो देख रहे हैं अंदर है वो मंदिर की अंदर की ये परिसर है, जहाँ पे रेलिंग लगे हुए दोनों साइड से, और जो पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण इसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है रास्ता, जिसके सहारे भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। महागणपति को चित्रित किया गया है जो एक कमल पर विराजमान है, जो उनकी पत्नी सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति और रिद्धि समृद्धि से घिरा हुआ है। भगवान गणेश की मूर्ति को महोत्कट भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि मूर्ति की 10 सूंड और 20 हाथ है। महागणपति को 8, 10 या 12 भुजाओं के रूप में दर्शाया गया है। अभी जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे,
अंदर में जाएंगे तो ये गेट है और इसके नीचे ही महागणपति जी का मूर्ति है। अभी ये जो चारों तरफ का जो आप देख रहे हैं ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है, तो आपको ये जो है काफ़ी भीड़ है रहती है वहाँ पे श्रद्धालुओं का, तो आपको इस भीड़ का भी आपको सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे 3-4 घंटे आपको लगेंगे अंदर जाने के लिए। तो हम लोग अभी मंदिर के पास गए नहीं हैं, हम लोग गैलरी में ही हैं, तो देखिए कितना भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर भगवान शिव ने भगवान गणेश का आह्वान किया था वो त्रिपुरा सुर को हराया था, वहाँ रंजन गांव है। रंजन गांव, रंजन का शब्द का अर्थ है प्रसन्न होता है, जिसके पहले इसका नाम मणिपुर था। रंजन गांव में जो महागणेश जी की मूर्ति का जो दर्शन करने के लिए आप लोग जाएंगे तो उनकी जो समय अवधि होती है सुबह 5 बजे से खुलता है और रात को 10 बजे बंद हो जाता है। और ये यहाँ की आरती की समय है 7:30 बजे। और ये महापूजा और महावैद्य रात्रि जो यहाँ पे हो की जाती है वो 11:30 से 12:30 बजे तक रहती है। और सामुदिक शाम की आरती 7:30 बजे से, और रोज आरती 10:30 बजे हर विनायक चतुर्थी गणेश या आयोजन देवस्थान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ये देखिए अभी मंदिर के जो थर्ड गेट है वो जो मंदिर के पास जाने के लिए, तो वो यही गेट है। और अब हम मंदिर के अंदर में आ चुके हैं परिसर में, तो ये चारों तरफ जो है मंदिर का पूरा परिसर है। और देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो आपको जो यहाँ पे वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं रहता, फिर भी हम लोग कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो जो आप लोगों के पास पहुँचे और महागणपति जी का आपको दर्शन हो पाए। यहाँ की मुख्य मंदिर ऐसा प्रतीत होता है मानो इसे पेशवा काल में बनाया गया हो। मार्ग द्वारा ऊपर नगर खाना की व्यवस्था की गई है। पूर्व की ओर मुख किए हुए मंदिर में एक जबरदस्त और अद्भुत प्रवेश द्वार है। इस मंदिर को माधव राव पेशवा ने भगवान गणेश की मूर्ति रखने के लिए मंदिर के तूफान तहखाने में एक कमरा बनवाया। बाद में इंदौर के सरदार कीवे ने इसे फिर से डिजाइन किया। इन्हीं गुरु गणेश की मूर्ति के नाम महोक टकट भी रखा गया है और कहा जाता है कि मूर्ति के 10 सुर और 20 हाथ है। ये देखिए मंदिर के परिसर के अंदर है और ये सारे देवी देवताओं का यहाँ पर चित्रण दिखाया गया है, और कैसे उस समय जो जो भगवान शिव जी ने राक्षसों का सामना किया था। ये पूरी दीवारों पर वहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आप इस वीडियो में, पूरा दीवारों पर चित्रण किया गया है। रंजन गांव में ग्रामीणों को गणेश की मूर्ति अपने घर में नहीं मिलती है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन सारे लोग मंदिर में आके पूजा करते हैं श्री गणेश जी का। और यहाँ 6 दिन उत्सव होती है, यहाँ पे बहुत सारे उत्सव होती है, जैसे यहाँ पे कुश्ती भी लड़े जाते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकान देखिए, हम लोग यहाँ पे काफ़ी आए और यहाँ पे भगवान श्री गणेश जी का दर्शन भी किए, और हम लोग काफ़ी यहाँ पे अच्छा एक 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 अच्छा माहौल देखने के लिए मिला। और ये देखिए मंदिर की जो चारों तरफ जो है इसे पंडाल से घिरा हुआ है और एक एक अलग एक अनुभूति का एहसास दिलाता है यहाँ पे। तो आप कभी भी आएंगे तो
आपको यहाँ पे महागणपति जी का आपको दर्शन कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद की अवधि में एक असमान छठे दिन का उत्सव भी होता है, जिसके बीच 5वें दिन मंदिर की देवी को महाभोग अर्पित किया जाता है। इस उत्सव के दौरान मंदिर के देवताओं को फूलों से सजी पालकी में विक्षेत्र के चारों ओर ले जाया जाता है। इस उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में टीमें कुश्ती के मैचों को देखने के लिए भी इकट्ठा होती है, जो अब तक के विशेष रूप से रचे गए छठे दिन भक्त मूर्ति के दर्शन करते हैं और फिर प्रांगण में लोटांग लोटांग समर्पण करने के महागणपति मंदिर के जाते हैं। लोटांग का अर्थ है कि अपने आप को बार बार हिलाना। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने के लिए अच्छी जगह है। स्थान अच्छी तरह से बनाया गया है, देखिए आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। ये देखिए मंदिर की परिसर की तरह है, परिसर है ये मंदिर। देखिए मंदिर मंदिर के बाहर भी एक पार्क है, जहाँ पर आपका जाके घंटों बैठ के आप एक वृक्षधार पेड़ के नीचे आप एक ठंडी हवा का एक अलग ही अनुभूति ले सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए काफ़ी लोग हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, देश के हर कोने से लोग आते हैं। और ये भगवान श्री गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, ये 1910 सेंचुरी में बनाया गया था। ये पार्क के अंदर के जो सारे देख रहे हैं और ये वीडियोज में, ये पार्क के अंदर की ये वीडियोज है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बनाया गया है, जिसमें फूल लगाया गया है, ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होगा आपको। एक अलग ही आपको एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये बड़े बड़े वृक्ष हैं यहाँ पे, और अलग अलग तरीके की, जो आपको एक ठंडी हवा का एहसास दिलाएगा। चूंकि यह मंदिर श्रीमंत माधव पेशवा युद्ध के रास्ते में यथाही समाप्त होता था, महागणपति दर्शन माधव राव पेशवा ने भगवान गणेश की मूर्ति रखने के लिए मंदिर को तूफान तहखाने में एक कमरा बनवाया। उन्होंने इस स्वयं स्वयं शंभू मूर्ति के चारों ओर एक पत्थर का गर्भागृह बनाया था। यह 1790 ईस्वी में उन्होंने श्री अनियाबा देव को महागणपति पूजा करने के लिए अनुवांशिक उपयुक्तता प्रदान की। टेम्पल हॉल का निर्माण सरदार किबे द्वारा किया गया था। ओवारी मंदिर दरबार के घेरने के दौरान उठाए गए कुछ छोटे छोटे फ्लैट सरदार पावर और शिंदे द्वारा बनाए गए थे। प्रसिद्ध बैरागी मोरया गोसावी श्री अनवा देव 5 धातुओं से बनी एक मूर्ति प्रसिद्ध की थी। इस मूर्ति को खुशी के दिनों में परेड निकाला जाता था। और ये देखिए जो श्री क्षेत्र रंजन गांव गणपति देवस्थान लिखा हुआ है, इसी मंदिर के बाहरी दीवारों पे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई हिस्ट्री हो तो आपको बता पाऊँ। ये पार्क है अंदर के लिए, एक तरफ मंदिर है, मंदिर का परिसर है, मंदिर के परिसर में ही पार्क है। और देखिए अंदर में एक छोटे सा फाउंटेन बनाया गया है, अभी तो थोड़ी सी पानी है लेकिन बंद है। और अंदर में जो पार्क के अंदर में है, और विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधे लगाए गए। ये देखिए यही फाउंटेन है, अभी तो चल नहीं रहा है लेकिन अभी बंद है, और ये दोपहर की समय था इसलिए बंद कर दिया गया। ये जितने भी आप देख रहे हैं नज़ारे, ये सारे पार्क का सीन है यहाँ पे, मंदिर के परिसर ही मंदिर के परिसर में ही बनाया गया है।
यहाँ पर एक नगर खाना भी है, महाराष्ट्र के सब मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी द्वारा 3 मई 1997 को पेश किया गया था। इस मुख्य मंदिर पेशवा के काल के मंदिर जैसा दिखता है। पूर्व की ओर मुख वाले मंदिर में भव्य और सुंदर प्रवेश द्वार है। ये देखिए, इस पार्क के अंदर भारतीय संस्कृति और हमारे पूर्वजों ने पहले कैसे उनकी रहन सहन होती थी, ये चीज़ें भी वहाँ पे पार्क के अंदर दिखाया गया है। आप जैसा कि देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आए और महागणपति जी के दर्शन भी किए, और यहाँ मंदिर के परिसर जो पार्क है, अपने बच्चों के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। जैसे कि आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, मंदिर जाने का रास्ता है, आपको बैक साइड से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पार्क के अंदर की सारे सीने हैं। रंजनगांव महागणपति मंदिर सड़क मार्ग से पुणे स्टेशन और शिवाजी नगर से नियमित बसें उपलब्ध हैं। पुणे नगर हाईवे से जाते समय मार्ग पुणे कोरेगांव फिर सिकरापुर होकर जाता है। रंजनगांव शिरूर से 21.2 किलोमीटर पहले है। पुणे से रंजनगांव 51.4 किलोमीटर है। और ट्रेन द्वारा अगर आप जाते हैं तो ट्रेन द्वारा रंजनगांव महागणपति मंदिर, रंजनगांव गणपति का निकटतम रेलवे स्टेशन यवतः, जो लगभग 29.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हवाई मार्ग से आप जाना चाहते हैं तो हवाई मार्ग से रंजनगांव महागणपति मंदिर हडपसर हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो रंजनगांव से 43.4 किलोमीटर के दूरी पे है। महागणपति रंजनगांव का भक्त निवास के लिए संपर्क करें। ये मंदिर की बाहर मंदिर के परिसर ही है, लेकिन उसके बाहर की है, मंदिर की सामने की है। ये दृश्य देखिए, और ये हम लोग बाहर आ चुके हैं, और यहाँ से देखिए आपको ये मंदिर का मेन गेट दिख रहा है। काफ़ी यहाँ पे भीड़ रहती है। यहाँ पे आप लोग भी आइए और श्री क्षेत्र महा गणपति महाराज जी का दर्शन कीजिए। और ये देखिए, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्टिव उनका जो मेन द्वार है श्री गणेश जी का बनाया गया है। और ये हम लोग अब मंदिर से श्री गणेश जी का दर्शन करके लौट रहे हैं। यही